नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे लड़कियां बहुत ज़्यादा ढूंढती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं ना, तो लड़कियां ना आपको बहुत ही जल्दी लाइन मारेगी। और आप ना ये चीज़ नोटिस करना, अगर कोई लड़की आपको लाइन मार रही होगी तो वो लड़की ना आप में सिर्फ यही क्वालिटी देख के आपको लाइन मारती है। ठीक है, तो यार बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। भाई यार, पहला पॉइंट है हमारा कि आप ना, हो सकता है कि आप रोमांटिक हो। भाई देखो क्या होता है कि अगर कोई लड़की आपको देख लेती है ना, उसे ऐसा अगर लग जाता है कि यार ये लड़का ना बड़ा ही रोमांटिक है, तो वो लड़की ना आपको काफ़ी ज़्यादा लाइन मारने लगती है। दरअसल होता ये है कि लड़कियों को ना ऐसे लड़के जो थोड़ा रोमांटिक होते हैं काफ़ी पसंद है। अब मैं रोमांटिक किसे कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। रोमांटिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लड़की ने ना आपको कभी किसी को किस करते हुए देख लिया और उसे लगा कि यार आप ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो तो आपको लाइन मारने लगी। बिल्कुल नहीं मेरा मतलब है ऐसा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लड़की ने कभी ऐसा नोटिस किया हो या लड़की को ऐसा लगा हो कि आप ना बहुत ही अच्छे से प्यार को दिखा सकते हो, ठीक है, तो वो लड़की ना आपको लाइन मारने लगती है। वो लड़की चाहती है कि ये बंदा ना बस मेरा ही हो और इसके अंदर ना मेरे लिए प्यार हो और ये मुझे बार बार दिखाए कि ये मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और अगर किसी लड़की को ऐसा लग गया ना कि आपके अंदर ना ये सारी चीज़ें है, तो वो लड़की ना आपको बहुत ज़्यादा लाइन मारने लगती है। ठीक है, पहली पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट है कि अगर कोई लड़की आपको लाइन मार रही है तो हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। क्या होता है, कभी कभी लड़कियों को ना ऐसा लग जाता है कि हम ना उससे लेके बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है, या फिर हमारा जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। हो सकता है कि उस लड़की ने ना आपको किसी और को लेकर के केयर करता हुआ देख लिया और उस लड़की को ऐसा फील हुआ होगा कि यार अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो पता नहीं ये मेरी कितनी केयर करता। समझ रहे हो, तो जब भी किसी लड़की को ऐसा फील होता है ना कि आप ना बहुत ज़्यादा केयरिंग टाइप के बंदे हो, तो वो लड़की ना आपको लाइन मारने लगती है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि हो सकता है कि लड़की को ऐसा लग रहा हो कि आप उसे पसंद कर रहे हो, ठीक है, और वो भी लड़की आपको पसंद कर रही हो। होता क्या है, दरअसल आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आप ना जब भी किसी लड़की को दो तीन दिनों तक देख लेते हो ना कंटिन्यू, तो उस लड़की को ना ऐसा पता चल जाता है कि आप उसे पसंद करते हो। ठीक है, तो अब क्या करती है कि जब लड़कियाँ ऐसा सोचती है घर में जाके कि यार ये लड़का मुझे पसंद करता है, क्या मैं इसके बारे में पसंद करती हूँ, ये लड़का कैसा है, अच्छा तो देखने में है, वगैरह वगैरह बहुत तरह की चीज़ें सोचती है। और अगर उसके बाद फिर उस लड़की को आप पसंद आ जाते हो ना, ठीक है, अगर उसकी लड़की का जो दिल है वो ये बोलता है कि हाँ यार तू भी शायद उसे पसंद करती है, तो क्या होता है कि लड़की ना आपको लाइन मारने लगती है। ये चीज़ ना आपने नोटिस किया होगा बहुत बार, अगर कोई लड़की आपको देख देख के लाइन मारे, इसका मतलब ये है कि भैया उस लड़की को ऐसा लगता है कि आप उसे पसंद कर रहे हो, ठीक है, इसी वजह से वो लड़की ऐसा कर रही है। और इसका कहने का ये मतलब हो जाता है कि भाई वो लड़की चाहती है कि आप उससे जा कर के बात करो। तो यार मेरा बस यही सजेशन है कि अगर वो लड़की चाहती है कि आप उससे जाके बात करो, तो यार आप जाके एक बार बात कर ही लो। आप बात करोगे तो बात आगे बढ़ेगी और आपकी बात आगे बढ़ेगी तो आप दोनों बहुत ही जल्दी सेट हो जाओगे। ठीक है, तो यार उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी काम की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।